बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गले का न्यू डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। गले पे हमने ये हमारे पास बॉर्डर था, जैसे ये दामन पे बॉर्डर है, ये साइड पे अलहदा बॉर्डर बना हुआ था, जो कि हमने कटिंग करके दोनों साइड पे स्मोसी लेस लगा के उसको इस तरह से सीधा ऊपर से नीचे इस तरह से डिब्बे की शक्ल में लगा लिया है। अब हम दरमियान में गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है, जिसमें हमने इस तरह से एक एक इंच पे बारीक प्लेट्स डालिए हैं। साइड पे हम इस वाली साइड पे जिधर से हमने इसको फोल्ड किया है, यही वाली स्मोसी लेस लगा लेंगे। ये हमारे पास बची हुई स्मोसी लेस है, जो हम पट्टी में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सीधी पट्टी बनानी है इस तरह से। अपनी पट्टी पे हमने बिल्कुल सीधी स्मोसी लेस लगा ली है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए हमने इसी बॉर्डर में से ये वाला मैरून कलर उठा के इसी कलर के कपड़े की हमने डोरियां बनाई हैं। डोरियां हमने इस तरह से बारीक वाली बनाई हैं। इसको हम अब गिरा लगा के इस तरह से, इसके लिए हम 3 इंच की लेंथ में डोरी काटेंगे। हमें 2 डोरियाँ चाहिए इसी साइज़ की, हम और काट लेंगे बाकी सारी। अब हम ये वाली 2 डोरियों को पकड़ेंगे और इस पर गिरा लगाएंगे। गिरा हमने इस तरह से दोनों डोरियों को दरमियान में, एक दूसरे के दरमियान में रख लेना है। ये वाली साइड हमें थोड़ी बड़ी चाहिए ऊपर वाली। इसको हम इस तरह से पकड़ के नीचे से फोल्ड करते हुए इसके दरमियान में से गुजार के इस तरह हम गिरा लगाएंगे। गिरा हमारी ऊपर से इस तरह से सीधी डोरी आनी चाहिए, दूसरी साइड पे गिरा जाएगी। सीधी साइड हम ऊपर वाली इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे। इस तरह से हमने गिरा लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह एक पत्ती की शेप दे देंगे। दूसरी गिरा भी लगानी आपको बताती हूँ। इस तरह से हम दरमियान में रखेंगे और ये वाली डोरी हम नीचे रखेंगे और ऊपर से इसको इस तरह से बल देके उसके अंदर से गुजार देंगे। तो ये हमारी गिरा लग जाएगी इस तरह से। फिर हम इसको खींच के थोड़ा सा टाइट करके ये इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो ये हमारी इस तरह से पट्टी तैयार होगी। सारी हमने इस तरह से बना ली है। अब हम पट्टी के अंदर सिलाई करते हैं। ये हमारी पट्टी है जिसपे हमने स्मोसी लेस लगा ली थी। अब हम इसके दरमियान में निशान लगाएंगे। ये हमारा दरमियान का निशान है। इस तरह से सिलाई लगाने के लिए भी सिलाई भी लगा सकते हैं और हल्के हल्के चौक से निशान भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें पता रहता है कि हमें सिलाई किधर तक लगानी है। नीचे रख के ऊपर वाली साइड हमारी गले के अंदर आ जाएगी। अब हम अभी पत्तियों को उठा के इस तरह से डिज़ाइनिंग को पत्तियाँ बनाएंगे। चाहे तो हम सुई की मदद से, अगर आपको मुश्किल हो तो सुई की मदद से टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से सिलाई करेंगे पकड़ के इस तरह से रख के। ये वाली साइड गिरा की हमारी ऊपर वाली साइड पे आएगी। एक हम उल्टी लगाएंगे और दूसरी सीधी लगाएंगे, क्योंकि एक को हम उस जाना फोल्ड करेंगे और दूसरी को दूसरी तरफ। एक की गिरा हम इस तरह से ऊपर की जानब रखेंगे और दूसरी की नीचे की जानब, ताकि जब हम दोनों को एक दूसरे की जानब पलटें तो हमारी डिज़ाइनिंग एक जैसी आए। डोरियां अपनी हमने इस तरह से लगा ली हैं। अब हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख के सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। पट्टी को हम इस साइड से बराबर रखेंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अब ये जो हमारी नीचे वाली साइड है पट्टी की, इसको हम इस तरह से खोल के किनारा निकालते हुए इस तरह से सुई की मदद से हल्का सा कपड़ा खींच के उसकी नोक बना लेंगे। अपनी डोरियों को, एक को उधर को और दूसरी को इस साइड को इस तरह से इस्तरी से बिठा देंगे। ये ध्यान में रखना है कि ये वाली गिरा हमारी ऊपर वाली साइड पर आए।
हमारी डिज़ाइनिंग इस तरह से तैयार होगी। ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार है। अब हम इसको गले पे सिलाई करेंगे। इस तरह से रख के हम पहले अपने गले का निशान लगा देंगे, हमारा गला किधर तक तैयार आ रहा है। हमने पहले से भी निशान लगाया था, दोबारा से इधर हमारी सिलाई आएगी गले की और इधर हम पट्टी लगाएंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाला गला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो डिज़ाइनिंग की पहुंच सके। पट्टी को हम इस तरह से रख के नीचे से हमने इस तरह से माप के देख लेना है, बिल्कुल नीचे तक ना आए। इधर तक हमारा गला तैयार होगा और पट्टी हमारी इधर तक आएगी। इधर से हम रख के सिलाई चला देंगे, बिल्कुल दरमियान में इस तरह से पट्टी को उठा के दरमियान देखते हुए दरमियान वाली सिलाई रखते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। ये हमारे पास बची हुई समोची पड़ी है, जो कि हम इस तरह से नीचे अपनी नोक पे भी इस तरह से समोसी लगा लेंगे, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अलहदा से लगी हुई है। जी तो ये हमारी पट्टी लग के तैयार है। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए बार बार मसला हो रहा है। जी तो ये हमारी पट्टी देखें कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। नीचे से जो हमने दोबारा से लैस लगाई थी किनारे पे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने रायता से लगाई थी। अब हम उसको गला रख के सिलाई लगा के उसको तरपाई कर लेंगे। गले को इस तरह से हम प्रेस करके तरपाई कर लेते हैं। गले को तुरपाई हमने इस तरह से कर ली है। गला हमारा तैयार है। इसको डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें ये हमारे पास मोती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे।